आज सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर बेंच के उस निर्णय को स्थगित कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जिसमें माओवादियों से संबंध रखने वाले, उनको मदद करने वाले प्रोफेसर साई बाबा को एक्विट किया गया था। मैंने कल भी इस बात पर बहुत निराशा जताई थी कि टेक्निकल ग्राउंड्स पर इस प्रकार से समाज और देश विरोधी कार्रवाई करने वाले को छोड़ा जाना ये बहुत ही दुर्दैवी था, लेकिन इस बात का मुझे बहुत समाधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी, आज उस हाईकोर्ट के निर्णय को सस्पेंड किया। आगे एक कानूनी लड़ाई होगी, उसमें हम सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने लाएंगे। क्या पुलिस कर्मियों का मनोबल टूटता था इस निर्णय से, जो हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था, पुलिस कर्मी उनके परिवारजनों का क्या मनोबल टूटता था? निश्चित ही जो हमारे पुलिस कर्मी शहीद हुए, ऐसे पुलिस कर्मियों के परिवार के लोगों के लिए ये बहुत ही क्लेशकारक था कि जो लोग उनकी शहादत के लिए, मौत के लिए जिम्मेदार है, ऐसे लोग टेक्निकल कारणों से छूट जाए। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आज ज़रूर उन्हें भी इस बात का संतोष हुआ होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सही फैसला लिया है।